पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। मुरादाबाद मंडल में आतंकी गतिविधियां बढ़ने के बाद मंडल सुर्खियों में रहा, तो वहीं मुरादाबाद का पुलिस प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारी में लगा है। नए साल पर कहीं कोई घटना ना हो या फिर किसी तरह का कोई वारदात ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए मुरादाबाद के SSP जे रविन्द्र गौड़ खुद सड़कों पर रहे। वाहन चालकों की चेकिंग की गई। हालांकि किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन हेलमेट पहनने और सभी कागज पूरे करने की अपील की गई, तो वहीं संदिग्ध दिखने वाले लोगों की तलाशी भी ली गई। ये रूटीन चेकिंग है, नए साल का आरंभ होने जा रहा है, हम लोग आज चेकिंग कर रहे हैं। खासतौर पे जो मोटरसाइकिल्स पे जा रहे हैं जिनके हेलमेट चेक किया जा रहा है और उनके पेपर्स का चेकिंग कर रहे हैं। सर, क्या इसका उद्देश्य है आज की चेकिंग? उद्देश्य जैसे मैंने बताया, रूटीन चेकिंग है नए साल के परिप्रेक्ष्य में और कोई इसमें कोई खास बात नहीं। सर, जिस तरह से मंडल में हाई अलर्ट है और अभी अमरोहा में उसके बाद में भी कहीं देखा जाए कि उसके मद्देनज़र भी देखिए, हम लोग रूटीनली हर चीज़ का करते रहते हैं। जो वाहन चेकिंग तो रूटीन है, बाकी हमारे जो भी नए साल आ रहे हैं तो हम हर तरह के अलर्टनेस रखे हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।